इसीलिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हम धन्यवाद देंगे यहोवा परमेश्वर को कि उसने हमें जीवितों के भूमि में रखा है, जीवितों के भूमि में रखा है। भजन लिखने वाला इसी बात को कहता है और उसका उस बात के लिए धन्यवाद देता है कि आपने हमें जीवितों के भूमि में रखा है कि मैं जीवितों के मध्य में आपकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जीवितों के भूमि में मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूं। हालेलुया। और इसीलिए हम कहते हैं हालेलुया। हालेलुया का अर्थ है या की स्तुति हो, या की प्रशंसा हो। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु का नाम। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। गाइए
हालेलुया हालेलुया उसके प्रेम उसके उसका अनुग्रह उसकी दया उसकी करुणा ये सब कुछ प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले उस क्रूस पर प्रकट किया। लोगों का सोचना होता है कि दुष्ट लोगों ने यीशु को क्रूस पर भेजा और चढ़ाया। यह सच है कि परमेश्वर ने दुष्ट लोगों के द्वारा उन्हें चढ़ाया, लेकिन क्रूस पर भेजने वाले लोग नहीं थे। क्रूस पर भेजने वाला केवल एक था, वो था प्रभु यीशु का पिता, स्वयं पिता। उसी ने प्रभु यीशु को क्रूस की ओर भेजा और बहुत ही नम्र होकर यीशु मसीह ने भी इस बात को मान लिया। अब बाइबल कहती है उसने अपने आप को नम्र किया, उसने आप को शून्य किया। किस लिए? ताकि वो क्रूस जा सके। जिस प्रेम के विषय में हमने अभी गाया, उस क्रूस के विषय में भी गाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर हमें साफ है किया, हमें शुद्ध किया, हमें शुद्ध करने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा। ये लोगों ने यीशु को पनिशमेंट नहीं दी, वो सोचे कि हम पनिशमेंट दे रहे, लेकिन ना, यीशु चाहता तो स्वर्ग से हजारों की संख्या में स्वर्ग दूतों को बुलाकर अपने आप को छुड़ा सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, कर सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्रूस यीशु का मंजिल था, क्रूस यीशु का उद्देश्य था। वो कोई गलती से ऐसा नहीं हुआ है, उसका उद्देश्य था। और क्यों? ताकि आप और मैं हम शुद्ध हो सके। अभी हमने कहा है ना, पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया, हमको बचाने के लिए यीशु क्रूस पर गया। क्यों ना अपने आंखों को बंद करके एक पल हम क्रूस के बारे में सोचें। उस क्रूस के विषय में जहां पर यीशु हमारे और आपके पापों को लेकर वो चढ़ गया, चढ़ गया केवल इसीलिए ताकि आप और मैं छुड़ाए जाएं। बदले में क्या तुझको दूँ,
चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और श्राप ओ तू मेरे प्रेम के बदले जीता हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको मेरे प्रेम के बदले जीता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में हो तेरी भक्ति में तेरी सेवा में हो तेरे हाथों को उठाए हाथों को उठा कर जाए तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है मेरी सेवा के तू योग्य है तू योग्य है दिल पर रखकर इस बात को अंगीकार करें आज की सुबह हम कौन होते हैं यहोवा परमेश्वर से प्रश्न उठाने वाले या सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं यहोवा परमेश्वर के सन्मुख आकर उनसे कहने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हम केवल मिट्टी हैं हम केवल वो धूल हैं वो भाप के समान जो केवल 2 सेकंड अस्तित्व में रहती है और फिर उसके बाद वो गायब हो जाती है वो भाप हम हैं हमें इस बात को अंगीकार और पहचानना है कि केवल और केवल वही किसी भी बात के लिए भी हमारे जीवन में योग्य है इसीलिए मैंने आपसे कहा अपने हाथ को अपने दिल पर रखकर इस बात को अंगीकार करिए बड़ी नम्रता के साथ बड़ी नम्रता के साथ बड़े नम्रता के साथ तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है मेरी सेवा की समर्पण
हाथों को उठाकर सच्चाई है, ये हमारे जीवनों की सच्चाई है प्रभु, कि केवल तू ही हमारा सब कुछ है, हमारा सब कुछ प्रभु। और आज की सुबह इसीलिए प्रभु हम तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं, इस बात को जानते और पहचानते हुए कि केवल तू ही है और सिर्फ तू ही है जो हमारा सब कुछ है प्रभु। हो सकता है आज की सुबह हम में से कई हैं जो यहां पर हैं और खुद को खाली महसूस करते हैं और हमें लगता है हमें सबने छोड़ दिया, अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन हम इस बात को समझे जो गीत आज हमने गाया है कि प्रभु, जिस प्रकार वचन में लिखा है, भजन लिखने वाला कहता है, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन प्रभु वो परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक माँ की तरह हमसे प्रेम करता है और इसीलिए तो हम इस गीत को गाते हैं कि प्रभु केवल तू ही है, जब कुछ कोई भी मेरा नहीं लेकिन तब भी तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। हो सकता है हम में से कुछ है जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है, क्यों नहीं हम प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरा भाग बन जा, और जब तू मेरा सब कुछ है तो तेरी चंगाई भी मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करेंगे प्रभु, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है, क्यों नहीं आज की सुबह हम हाथ को उठाकर परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु आप मेरा सब कुछ हो, मेरा सब कुछ, मेरी चंगाई भी, मेरी शांति भी, मेरी खुशी भी, मेरा प्रेम भी, मेरे मुक्तिदाता और मेरा छुटकारा देने वाले भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Praise the Lord. And now, I know that this weather is not so good. और मैं जानता हूँ कि ये मौसम इतना अच्छा नहीं है. And not very favorable to us. और ये जो मौसम है वो हमारे अनुकूल नहीं है. And we have no control over it. Control over it. और हमारे ऊपर, हमारा इस मौसम के ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं है. So, if somebody feels sleepy, अगर किसी को नींद आता है, you sleep. अब आप ये सो सकते हैं। My only request is, please don't keep on nodding your head. लेकिन कृपया करकर एक अनुरोध यही है कि बार बार खराटे ना लें और अपने सर को जो है बार बार झुका गिराते ना रहें। And don't snore. और खराटे मत लीजिएगा। That will disturb your neighbors. तब आपके जो पड़ोसी हैं उनको परेशानी होगी।
And in case if you want to keep yourself alive and और आप अपने आप को अगर जीवित रखना चाहते हैं या जगे रहना चाहते हैं दैट विल बी नाइस दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू और दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू तो ये ही सबसे अच्छा काम होगा ओके बिकॉज आई विल टेक लिटिल टाइम टू स्पीक व्हाट गॉड हैज टोल्ड मी टू स्पीक टू यू क्योंकि मैं थोड़ा समय लेकर आपसे वो बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है वचन आपको देने के लिए एंड Today is a communion Sunday. और आज के दिन प्रभु मेज का रविवार है. And every communion day, we don't hurry it up. We speak what we need to speak. और हम हर रविवार को जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें बताना होता है, कहना होता है, वो कहते हैं. And but this morning, I want to exclusively to speak about What this really meant. लेकिन आज की सुबह मैं इस विषय में वास्तविक रूप से बताना चाहता हूँ कि इसका वास्तविक अर्थ है क्या? Because we can take this and approach this very casually, very carelessly. क्योंकि हम बड़ी हल्के रीति से इस मेज के निकट आ सकते हैं. And which is not a good thing to do. और जो कि अच्छी बात नहीं है करने के लिए. Because this is not something to be treated casually and carelessly. क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए बड़ा हल्की रीति से हम लोग व्यवहार करें. It is a very serious matter. और ये बड़ा एक गंभीर बात है. And this also should not be taken unless you have a very clear conscience and you have Ask God to cleanse you and make you worthy to partake. और ये तब तक हमें गंभीरता से लेना है और प्रभु से इस चीज को मांगना है, इस बात को पहचानना है कि ये भोज एक गंभीर बात है और प्रभु से इस बात की प्रार्थना करते हुए मांगना है कि प्रभु मुझे शुद्ध करे और एक गंभीरता के संग खुद को जांचते और परखते हुए इस मेज के निकट आना है. And we are going to read two passages. दो वचनों के भाग को हम लोग पढ़ेंगे. Both are few verses each. और कुछ दोनों ही भागों में कुछ वचनों वचन हैं. First we will turn to the gospel according to Saint John chapter 6. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके छठे अध्याय की ओर हम लोग बढ़ेंगे. Where Jesus Christ himself has described what it means to eat his flesh and drink his blood. जहां पर यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया है कि उसकी देह या उसके शरीर में भाग लेने का क्या मतलब है. He refused two things. और दो चीजों से इनकार किया. He will never have any associate pastors or any assistant pastors, anyone. और उन्होंने कहा कि वो कभी भी कोई सह पासवान को अपने साथ नहीं रखेंगे. And he had a very good explanation for that. और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब उनके पास था. How many captains one ship has? एक जहाज में उसको चलाने वाले कितने कप्तान होते हैं? Only one. एक जहाज में एक ही कप्तान होता है. That was his principle. और यही उनका सिद्धांत था. It is a voyage that we Christians are doing. और ये इसी प्रकार से एक जल की यात्रा है जिसमें से हम मसीहों को गुजरना है. सो वन शिप शुड हैव ओनली वन कैप्टन, देन नो कंफ्यूजन. तो एक जहाज का एक ही कप्तान होना चाहिए और कोई दुविधा ही नहीं होगी. बट टुडे वी हैव administrators and associate pastors and then assistant pastors and then executive pastors and aur ab hamare paas prabandhak hote hain, sah pasban hote hain, sahayak pasban hote hain, and then there is a senior pastor for namesake aur naam ki khatir ek varishth pasban hote hain, and if they allow me to preach I preach aur jab mujhe anumati dete hain prachar karne ke liye to main prachar karta hu. But we have all these pastors. लेकिन ये सब पासवान हमारे साथ हैं. I know that you all are very happy. और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत खुश हैं. Because all three other pastors from Sami down to then he, they all speak very excellent Hindi. और
जितने भी पासबान हमारे पास हैं वो सब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं. सो यू लाइक दैट. और वो आपको पसंद आएगा. सो दैट मीन्स इट इज टाइम फॉर मी टू रिटायर. और मुझे लगता है कि मेरा समय है कि मैं सेवानिवृत्त हो जाऊं. No, not seva. Seva, nobody can retire. A pastor is called for life. और एक पासबान, एक पास्टर अपने जीवन भर के लिए बुलाया जाता है. That's why I have a ministry every Sunday. इसलिए हर रविवार को मेरी सेवकाई है. And I will preach till the last breath of my life. और मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक प्रचार करूंगा. This is and sometime I told God, let me die while preaching in this pulpit. और मैं प्रार्थना है मेरी परमेश्वर से, मैंने कहा है परमेश्वर से कि मेरा जब भी अंत हो मैं प्रचार करते ही करते मेरा अंत हो. No, that will be nice. और वो अच्छा लगेगा. And it happened to several servants of God. और कई परमेश्वर के सेवकों के साथ ऐसा हुआ है. And there is nothing better way to die. और इससे बेहतर तरीका नहीं है मरने का. This is the month of June. और ये जून का महीना है. And June 16th. और 1916, my wife left me and went to her father's house. और 16 जून को ऐसा हुआ था कि मेरी पत्नी 2016 में मुझे छोड़कर अपने पिता के पास चली. That will make 8 years this year. और 8 साल हो गए हैं. Was it easy? क्या आसान था मेरे लिए? No. नहीं. Even today I miss her. आज भी मुझे उनकी याद आती है. Because she was an integral part of my ministry. क्योंकि वो मेरी सेवकाई का एक बहुत ही जरूरी भाग थी. And I praise God for her. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए. Today I am going to read these two passages. और आज इन दो पदों को मैं पढ़ूंगा. And my meditation itself is not very long. और आज का जो मेरा मनन है वो कोई बहुत लंबा नहीं है. And then we have the communion. और फिर हमारे पास प्रभु भोज भी है. बट बिफोर द कम्युनियन, लेकिन उसके पहले, माय एंटायर मेडिटेशन इज अबाउट व्हाट इट मींस. मेरा पूरा मनन आज का जो है वो इस बारे में है कि उसका मतलब क्या है, संदर्भ क्या है. आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली, एस्पेशली माय जूनियर चिल्ड्रन. जूनियर चिल्ड्रन आर दोज हु आर बिलो 35. और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ध्यान से सुने, खास तौर से मेरे छोटे बच्चे. और छोटे बच्चे वो हैं जो 35 वर्ष के नीचे हैं. यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स. और बहुत ध्यान से आप सुने और समझें कि इसका मतलब क्या है. एंड वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट वी रीड इन फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11. और जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में, वन ऑफ द थिंग्स वी कीप एम्फसाइजिंग इज दिस. और एक चीज है जिस पर हम बहुत प्रभाव डालते हैं वो ये है, बिफोर यू स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड टेक द ब्रेड एंड द वाइन. और इससे पहले आप अपने हाथ को बढ़ा के रोटी और जो इसको दाखरस को लेते हैं, एग्जामिन यूर सेल्फ, अपने आप को जांच लें. एंड सी वेदर यू आर अ वर्थी पर्सन टू पार्टेक ऑफ दिस होली सेक्रेड थिंग. और इस बात को जांच के पाए कि क्या आप योग्य हैं कि इस पवित्र मेज से भाग ले सकें. डोंट सिंपली स्ट्रेच आउट योर हैंड एंड टेक इट बिकॉज इट इज अ फॉर्मैलिटी, दैट्स व्हाट यू थिंक. बस केवल अपने हाथ को बढ़ा के आप इसलिए ना ले लें क्योंकि आपको लगता है कि ये एक रीति है जिसे पूरा करना है. प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ फॉर्मैलिटी. आप इस बात को समझें कि ये कोई रीति नहीं है. इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिकता कार्य नहीं है. नो, इट इज मोर देन दैट. इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन.
और इसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है. एंड सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु स्टार्टेड दिस फॉर द न्यू टेस्टामेंट चर्च. और इसलिए हमें इस बात को समझना है कि नए नियम की कलीसिया के लिए किसने इसको शुरू किया. हु हैज गिवन ऑल द इंस्ट्रक्शंस. और किसने ये सारे निर्देश दिए. नॉट पीटर. पत्रस ने नहीं. नॉट इवन अपोसल पॉल. और प्रेरित पौलुस ने भी नहीं. व्हाटएवर अपोसल पॉल हैज रिटन इन हिज लेटर्स. और जो भी प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है. एंड इंक्लूडिंग फर्स्ट कोरिंथियंस. जिसमें पहला कुरिन्थियों भी शामिल है. एवरीथिंग वाज रिटन बाय अपोसल पॉल अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द होली स्पिरिट हु इज द ऑथर ऑफ द बाइबल. सब कुछ प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया था पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार जो पवित्र वचन का मुख्य लेखक है. इट इज नॉट अ प्रसाद दैट वी टेक जस्ट लाइक एनी टेम्पल यू गो डिस्ट्रीब्यूट. और ये प्रभु भोज किसी प्रसाद के समान नहीं है जो अन्य मंदिरों में हम देखते हैं. दिस इज नॉट समथिंग यू डिस्ट्रीब्यूट टू पीपल. ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोगों को यूं ही बांटते हों. That is why Apostle Paul said. इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा. Before you take of it, you must examine yourself and find out whether you are worthy to be a partaker of this. कि इससे पहले हम इसमें से भाग लें, हम अपने आप को जांच लें क्या हम योग्य हैं इसमें से भाग लेने के लिए. So shall we read first before I say anything? और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आइए इसको हम पढ़ते हैं. First. The Gospel according to St. John chapter 6. और यहुन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय. Chapter 6. 6 अध्याय. In this chapter, Jesus had a confrontation with a big crowd. और इस अध्याय में यीशु मसीह का एक बड़ी भीड़ के साथ आमना सामना हुआ. Among them were Pharisees and Sadducees and religious Jewish teachers, doctors of the law. और इनमें फरीसी थे, सदूकी थे और बहुत ही व्यवस्था को शिक्षा देने वाले शिक्षक थे. And so he told something which they could not digest. और उन्होंने ऐसा कुछ बताया जिसको वो हजम ना कर सके. Okay, at the end of that chapter, और उस अध्याय के अंत में, many people who were following Jesus, बहुत से लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, from that day, उस दिन से ही, they stopped following Jesus. उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया. You know why? आप जानते हैं क्यों? Something he told them very importantly. कुछ बहुत ही जरूरी बात उनको उसने बताई. They could not understand. जिसको वो समझ ना सके. And they got offended. और वो बुरा मान गए. What it is, we will read. वो क्या था हम अभी पढ़ेंगे. Okay, chapter 6 of John's Gospel, reading from verse 49. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 39 से. तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए. ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे. Those of you are listening, और जो लोग सुन रहे हैं, I hope you have your Bible. मुझे आशा है आप लोग के पास you आपकी follow in your own Bible by looking at it and listening to the reading. और आप अपनी बाइबल में साथ में देखिए जब पढ़ा जाता है. Because this is a very serious matter. क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है. I want you, even our children, to understand. और मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे भी इस बात को समझें. There are so many people who visit churches in other denominations only on first Sunday of. और बहुत से संस्थाओं में, अन्य कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो केवल पहले रविवार को ही चर्च जाते हैं. Why? क्यों? Because that Sunday there is communion. क्योंकि उस रविवार प्रभु भोज होता है. And how about other Sunday? और बाकी रविवार का क्या? You don't need Jesus. उनको यीशु नहीं चाहिए. Such people don't care about
Jesus. ऐसे लोगों को यीशु की कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. They only want to keep their membership. वो केवल अपनी सदस्यता कलीसिया में बनाए रखना चाहते हैं. And in the sight of God, they want to be good boys and girls. और परमेश्वर की नजरों में अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहते हैं. Oh, I went to church. मैं तो चर्च गया था. Not only that. और केवल इतना ही नहीं. I took communion. मैंने तो प्रभु भोज में भी भाग लिया. We don't serve communion to such people. हम ऐसे लोगों को प्रभु भोज नहीं देते. This is not just like a what communion. You don't even understand the meaning of communion. और आप प्रभु भोज के अर्थ को भी नहीं समझते. So let us listen to this. इसलिए इसको हम लोग सुने. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Go ahead. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा. What does the verse 49 say? तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए. It is very important to listen from that point. Okay. बहुत जरूरी है कि इस बिंदु से हम लोग समझें. Yeah. ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे. जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा. और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है. वाह. इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हाँ. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. यस. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है. Yes. और मैं उसमें. जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा. जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए. जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा. ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही. आमीन. Praise God. Now let us turn to 1 Corinthians chapter 11. और अब पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय की ओर हम लोग आएंगे. Verses 23-29. और 23 से 39 हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए. इस रोटी से खाए और कटोरे में से पिए. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है. और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए. Many become sick unnecessarily. बहुत से लोग बिना किसी वजह बीमार हो जाते हैं. And they go to all the doctors and examine, but they all say you are normal, every all tests are normal. और बहुत से डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, जांच करवाते हैं, लेकिन सारी जांचें नॉर्मल निकलती हैं. So what is wrong?
तो इसमें गलत क्या है? An undetected disease. एक ऐसी बीमारी जिसे ढूंढा नहीं जा सकता. How does that happen? ऐसा कैसे होता है? For many Christians, this is the way it happens. और बहुत से मसीहों के लिए इसी वजह से होता है. Many become sick. बहुत से बीमार हो जाते हैं. No reason. कोई कारण नहीं होता. And some even die. और कुछ मर भी जाते हैं. Has it happened? कैसा हुआ है? Many cases. कई मामले ऐसे हुए हैं. So I want to give you two incidents, two illustrations. कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ. It is not merely illustration, it's the true story. और ये वास्तविक घटना है अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. We have one of the gold medalist from his high school up to his post graduation. और एक व्यक्ति थे जो अपने हाई स्कूल से समय से अपने स्नातक समय तक एक स्वर्ण पदक को हासिल करने वाले व्यक्ति. I mean, he was a super intelligent fellow. और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति वो था. He is from Kerala. और वो केरला से थे. And he was an engineer. और वो एक इंजीनियर थे. Working in what is that? Nuclear, you know, where they make a spaceship and all that. Baba? He was an engineer in that. और वो भाभा संस्था में एक इंजीनियर थे जहाँ पर स्पेस में जाने वाले यंत्रों को बनाया जाता. But he has a desire to serve the Lord as well while he was working. लेकिन उनकी इच्छा थी कि जब वो काम कर रहे थे उसी के साथ साथ वो प्रभु की भी सेवा करें. He was from the Assemblies of God Church in Kerala. और वो केरला के Assemblies of God कलीसिया से थे. So when he was in Mumbai working here, और जब वो काम कर रहे थे एक दिन, he also started church planting. तो उन्होंने कलीसिया स्थापना भी शुरू करी. And he planted many churches. और बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी. And you know, he would have been some head of the department of that establishment. और उस स्थापना में वो एक अपने विभाग के सबसे उच्च व्यक्ति थे. But he refused all that. वो हो सकते थे लेकिन उन्होंने उस बात का इनकार किया. And he refused promotion. और उन्होंने उन्नति पाने से भी इनकार किया. Because promotion means change of place also. क्योंकि प्रमोशन का मतलब होता था कि आपका स्थानांतरण भी हो जाएगा. And then more responsibilities. और ज्यादा जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी. That would not give him enough time to care for the churches. और वो उन्हें इतना समय नहीं देगा कि जो कलीसियों की स्थापना वो करते हैं उसमें समय दे पाए. He resigned at the end. इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया. A very intelligent man. एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति. Having prospects of becoming the head of some sections of that institution. उस संस्था के कई विभागों के अधिकारी बन सकते थे. And he continued to serve the Lord. और वो परमेश्वर की सेवा करते रहे. And he established many churches. और बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी. Now he used to have an yearly convention of his own church. He was also a senior pastor. और वो एक वरिष्ठ पासवान थे और साल में एक बार वो एक महासभा को करते थे. So in one of such yearly conference, और एक ऐसी महासभा में, every time this conference happened, it is 3-4 days, and then it always ends on a Sunday. और ये वार्षिक महासभा जो होती थी 3-4 दिन की होती थी और रविवार के दिन समाप्त होती थी. Sunday will be a big event. और रविवार को एक बड़ी सभा होती थी. So all the churches he planted, they all will come together. जितनी भी कलीसियाओं की स्थापना उन्होंने करी थी वो सब एक साथ आते थे. There'll be thousands of people. और हजारों लोग होते थे. And that year the particular event I am talking about happened. The main speaker, main minister has come from Kerala. He was an amazingly wonderful prophetical preacher. और एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी ही एक सभा में एक प्रचारक को बुलाया जो केरला से थे
और वो भविष्यवाणी भी किया करते थे. He was my pastor when I was 10 years old. और जब मैं 10 वर्ष का था तब वो मेरे भी पासवान थे. And in one Sunday he preached, and that was the time when I surrendered my life to the Lord Jesus. और एक बार एक रविवार को उन्होंने प्रचार किया था और वो वही रविवार था जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया. And the amazing truth is, और अद्भुत बात ये है, he was an unpaid व्यक्ति. वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे. But he had a memory which is next to God. लेकिन इतनी तेज उनकी याददाश्त थी, आप कह सकते हैं बिल्कुल परमेश्वर के बहुत ही करीब. He can memorize the whole Bible. वो पूरी बाइबल को याद कर सकते थे. He can read a whole book. वो पूरी किताब को पढ़ सकते थे. And he never forget it. और वो उसको भूलते नहीं थे कभी भी. Tremendous memory. एक अद्भुत उनकी याददाश्त. And he was a short man. और छोटे कद के व्यक्ति थे. He was shorter than I was. वो मुझसे भी कद में छोटे थे. And so he was the special minister that time. और उस समय वो प्रचारक बुलाए गए. Being a senior pastor. और एक वरिष्ठ पासवान होने के नाते. My friend asked him to conduct the communion service. All these services used to end with a communion. और मेरे मित्र ने उन, क्योंकि वो वरिष्ठ थे, उनसे कहा कि प्रभु भोज में आप अगुवाई करिए और हर ऐसी सभा प्रभु भोज के साथ ही समाप्त होती थी. As he grew older, और जब वो और बुजुर्ग होते गए, he started getting this patch, you know, this white patch, what do you call it? You know, you understand what I mean. और उन्हें वो दिक्कत हो गई जिसमें सफेद दाग पड़ जाते हैं. That they will have these white patches all over. और शरीर पे सफेद दाग पड़ जाते हैं. Yeah, that is the right word. I think nice to have some nurses and doctors we have. Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस भी हमारे बीच में हैं. And once that color change is covered your body, और जब एक बार वो न्यूकोडर्मा की बीमारी हो जाती है, वो पूरे आपके शरीर को ढाक लेती है. You have seen such people also, you know. आपने देखे होंगे ऐसे कुछ. Then it is no longer considered to be a disease. और फिर जब पूरी तरीके से उससे ढक जाते हैं तो वो और बीमारी नहीं कहलाती. My Guruji, he was not, his whole body was not covered, only hand and some places. और जो मेरे गुरु थे उनके केवल कुछ अंगों में ही ये दिक्कत थी. So he was conducting the communion service. और वो प्रभु भोज को कर रहे थे. And for this particular conference and convention, many people who were members of that now serving in foreign countries, they also will come from these countries and attend. और इन सभाओं में जो लोग उस सभाओं से निकले थे, जो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे थे, वो सब भी सभा के लिए वापस आते थे. So one such person was Malayali who was working in Kuwait. और ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो मलयाली थे, कुवैत में काम कर रहे थे. So he was also there. वो भी वहां पर थे. And he was very much a part of that church. और उस कलीसिया के भाग थे. And so when the communion was served, और जब प्रभु भोज दिया गया, and he noticed this man who is conducting the communion has this patch all over. और जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो प्रभु भोज में अगुवाई कर रहा है, उनको ऐसी बीमारी है, he refused to take communion. तो उन्होंने प्रभु भोज लेने से मना कर दिया. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he had that disease. क्योंकि उनको वो बीमारी थी. And nobody take note of it, but. और किसी ने ध्यान नहीं दिया. Service was over. फिर सभा खत्म हुई. And the pastor noticed. लेकिन पास्टर ने ध्यान दे दिया था ये. Then he asked him after the service. और सभा के बाद पूछा. Why didn't you take communion? कि तुमने प्रभु भोज में भाग क्यों नहीं लिया? And he told them the truth. He said, the man had this. और उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को ऐसी बीमारी है. I didn't want to take. इसलिए मैं प्रभु भोज नहीं लेना चाहता था उसके हाथों से. Okay, it was not good on your side.
ठीक है, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया. Don't do that again. और ऐसा दोबारा मत करना. Everything is over. He went back to Kuwait. और सब कुछ समाप्त हो गया, वो कुवैत गए वापस. In Kuwait at home, he was changing the clothes. और कुवैत में वो जब घर पर अपने कपड़े बदल रहे थे. You know what he saw? अब जानते हैं उसने क्या देखा? The exact disease has started all over. और वही बीमारी उनके शरीर पर भी शुरू हो गई. He was scared to death. वो बुरी तरीके से डर गया. He was a handsome fellow, fair looking fellow. वो गोरा दिखने वाला अच्छा handsome व्यक्ति था. But that pastor was black. लेकिन जो वो पास्टर थे वो काले थे. Then he had this. और उन्हें ऊपर से ये बीमारी भी थी. And so he never realized he was what shall I say? He was insulting God. और उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो प्रभु को अनादर कर रहे थे. He was a servant of God. वो परमेश्वर के सेवक थे. It was with God's knowledge and permission that he had this. और ये परमेश्वर की अनुमति ही के द्वारा था जो वो जिन उनको ये बीमारी थी. That God will take care of him. परमेश्वर उनका ध्यान रखेंगे. But I am not a person to judge. लेकिन मैं कोई नहीं होता हूँ न्याय करने वाला. To consider why he was moving around, he used to travel to United States and Gulf countries and all over the place and preach with that, but nobody boycotted him. और वो इस बीमारी के साथ अलग अलग देशों में जाके विदेशों में जाके वो प्रचार करते थे और किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई. But this man thought of himself to be someone untouchable. लेकिन अपने वो जो दूसरा व्यक्ति था उसको लगा वो कोई बहुत ही शुद्ध महान व्यक्ति है. He was devastated. लेकिन बुरी तरीके से वो He didn't know what to do. परेशान हुआ, उसे नहीं समझ में आया क्या करें. And the Holy Spirit convicted him. और पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को कायल किया. And the God said, "You go back to India." और परमेश्वर ने कहा, तुम वापस भारत जाओ. Go to that pastor. उस पास्टर के पास जाओ. Because everybody knew that pastor, so he also knew where this pastor was staying. और हर कोई उस पास्टर को जानता था, ये भी जानता था कि वो कहाँ रहते हैं. First he went to Kerala. वो पहले केरला गए. Met this pastor. इस पास्टर से मिले. And he fell at his feet. और उसके पैरों पे गिर पड़े. And asked him to forgive. और क्षमा मांगी. And he forgave. और उसने क्षमा किया. Then he went to Mumbai. फिर वो मुंबई गए. Met his pastor. अपने पास्टर से मिले. Asked him to forgive. उनसे भी क्षमा मांगी. And showed him these patches. और अपनी ये बीमारी को दिखाया. And that pastor prayed for him. और उस पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी. Both the pastors prayed for him. और दोनों पास्टर्स ने उसके लिए प्रार्थना करी. Then, with their blessing, he went back to Kuwait. और उनकी आशीष को प्राप्त करके वो वापस कुवैत गया. And again at home. और घर पे. When he removed his changing his clothes. और जब अपने कपड़े बदलते वक्त उसने देखा. He found everything was clean. उसने देखा कि वो पूरी तरीके से साफ हो चुका था. Now you understood what it means, this verse. अब आप समझ रहे हैं इस वचन का क्या अर्थ है. His problem was he thought of himself as a highly worthy person. He refused to accept the bread and wine from that pastor. और उसको लगा कि वो कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति है, जिस कारण उसने प्रभु भोज लेने से उस पास्टर से मना कर दिया. What makes you a worthy person in the sight of God? परमेश्वर की दृष्टि में आपको योग्य क्या बनाता है? When you have the kind of feeling that this man had about people like my pastor. और यदि इस प्रकार की भावना आप में है जैसे इस व्यक्ति में थी उन पास्टर को लेकर. He is not worthy. तो वो योग्य नहीं है. He is a servant of God. वो परमेश्वर का दास है. In the sight of God, he is higher than this man. परमेश्वर की दृष्टि में वो इस व्यक्ति से ज्यादा उच्च है. We must understand that. हमें इस बात को समझना चाहिए. And then we are told. और फिर हमें बताया गया. That when you take communion unworthily. कि जब अयोग्य रीति से हम भाग लेते हैं. Not only you become sick. तो हम बीमारी नहीं होते केवल. And some people even die. कुछ लोग मर भी जाते हैं. Untimely death. समय से पहले मृत्यु. Why so and so died?
क्यों मर भी जाते हैं? He was so young, वो तो इतना जवान, full of energy, पूरी ऊर्जा से भरा हुआ, and suddenly he has gone, और अचानक से वो मर गया, we do not know, हम नहीं जानते। Our own church has witnessed, हमारी खुद की इस कलीसिया ने देखा है, 3-4 years ago, 3-4 साल पहले। One young man thought of himself as above the pastors. और एक जवान व्यक्ति को लगा वो पासवानों से भी ऊंचा है। He was very arrogant. वो थोड़ा कठोर व्यक्ति था। He would never smile. कभी मुस्कुराता नहीं था। And if you ask him any question, और अगर आप उससे कुछ सवाल पूछें, he think he so high that he could not answer us. तो उसे लगता था कि वो इतना ऊंचा है कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। And then for some time, for several months, he was absent from the church. और फिर ऐसा हुआ कि कई महीनों तक वो कलीसिया से गायब रहा। And then suddenly he appeared. और फिर अचानक से वो आया। And when he appeared, he had a Hindu girl with him. और जब वो आया तो एक हिंदू लड़की उसके साथ थी। And they must have gotten married in a court or something like that. और उनका विवाह कहीं कोर्ट में हो गया होगा। So the following Sunday, और उसके अगले रविवार, also he came, वो फिर से आया। Sammy first spoke to him, और पास्टर सैमी ने पहले उससे बात करी, and told him, और कहा, young man, please do not touch Holy Communion, कहा, तुम प्रभु भोज से में शामिल मत होना। We want to talk to you, हम तुमसे बात करना चाहते हैं पहले। So we want you to come and meet with us, और हम चाहते हैं तुम आओ और हमसे मिलो। He never came. वो नहीं आया। And next Sunday was the communion Sunday. और अगले रविवार प्रभु भोज था। And I saw him sitting among those who were taking communion. और मैंने देखा कि वो प्रभु भोज में भाग ले रहा था बाकी लोगों के साथ। But before communion was served, लेकिन इससे पहले प्रभु भोज दिया गया। I went to him. मैं उसके पास गया। And spoke to him. मैंने उससे बोला। Now, do not touch this cup and bread and eat. मैंने उससे बोला कि इस प्रभु भोज को तुम मत छूना और इससे भाग मत लेना। Because we want to talk to you before you can take it. क्योंकि हम पहले तुमसे बात करना चाहते हैं। And he said something he said. He never properly answered me. और उसने कुछ बोला ठीक से लेकिन जवाब नहीं दिया। But I thought he would be wise enough to listen to me. लेकिन मुझे लगा कि ये शायद बुद्धिमान होगा जो ये मेरी बात को माने। But he thought himself too high. लेकिन उसको लगा वो बहुत ऊंचा है। Who am I to listen to senior pastor? मैं बस वरिष्ठ पासवान की बात क्यों सुनूं? And when communion passed by, sure enough, he took it. और जब प्रभु भोज उस तक पहुंचा तो उसने लिया। And after the service, और सभा के बाद, he was going out. वो बाहर जा रहा था। And I stopped him and said, "Listen, you have done a very big mistake." और मैंने उसको रोका और मैंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। I told you not to touch it. मैंने तुमसे कहा था इसमें से भाग मत लेना। And that I wanted to talk to you. और मैं तुमसे बात करूँगा पहले। You know, and he started shouting at me. और उसे चिल्लाने लगा मेरे ऊपर। So what are you going to do? तो क्या कर लेंगे आप? I said, "I will not do anything." मैंने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा। You must know that if I do something, that will be very limited. It will not harm you also. और अगर मैं कुछ करूँगा, वो तो बहुत ही सीमित रहेगा. उससे तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं होगा. But the doing is sitting high. लेकिन जो करने वाला है, वो ऊँचे पे बैठा है. And after 1 week, और एक हफ्ते के बाद, we all got a message in our WhatsApp. हमें WhatsApp पर हम सबको एक संदेश आता है. Pray for so and so. इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए. And he is admitted in the hospital. वो अस्पताल में भर्ती है. In a very serious condition. और बहुत गंभीर स्थिति है उसकी. And what is his disease? और उसकी बीमारी क्या है? Blood cancer. Blood cancer. Young man. जवान व्यक्ति. Below 30 years old. 30 वर्ष से भी कम आयु थी। ब्लड कैंसर, वाई ब्लड कैंसर, नहीं अदर कैंसर। ब्लड कैंसर ही क्यों हुआ, कोई और कैंसर क्यों नहीं? नो, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर।
And everybody was praying. और सब प्रार्थना करने लगे. To tell you the truth. और सच बताऊं अगर मैं आपको. I did not pray. मैंने प्रार्थना नहीं करी. Because I knew. क्योंकि मैं जानता था. When God strikes a person. कि जब परमेश्वर की मार किसी को पड़ती है. I have no right to tell him, please heal him. तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं परमेश्वर से बोलूं प्रभु आप उसको चंगा करिए. Everybody was crying. सब रो रहे थे. And everybody was praying. सब प्रार्थना भी कर रहे थे. And I knew all along. और मैं जानता था. Is it easy for me? क्या मेरे लिए आसान था? No. नहीं. I can only weep. मैं भी केवल रो ही सका. And so many of our young people had to donate blood for him. और हमारे बहुत से जवानों को उसके लिए अपना भी खून देना पड़ा. They all went. वो सब गए खून देने उसको. Donated blood. और उसने खून दिया उसको. I am sure some of you young people must have gone and. और मैं जानता हूँ आप में से बहुत से जवान लोग गए होंगे. But within a few days. लेकिन कुछ दिन में ही. I had to conduct the funeral of that boy. मुझे उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा. My friends, it was not easy. आसान नहीं था वो. And he was shouting here at me. लेकिन वो यहाँ पर खड़े होके मुझ पर चिल्ला रहा था. I will do. Let me see who can do what. मैं करूँगा. देखते हैं कौन क्या कर लेता है. He not only arrogantly disobeyed God's instructions. और केवल उसने अपने कठोरता में परमेश्वर के निर्देशों का ही उल्लंघन नहीं किया. And he was so proud about it. लेकिन बड़ा गर्व भी उसने किया उस उल्लंघन पर. Many among you not only sick but also lose your life. और इसमें लिखा है कि तुम में से बहुत से हैं जो केवल बीमार हैं और अपने जीवन को भी खो दिया. We are before the table of the Lord. हम प्रभु की मेज के आगे हैं. This is a table that Jesus Christ Himself has established for the New Testament Church. और ये मेज प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कलीसिया के लिए नए नियम की कलीसिया के लिए रखी है. It is we call it holy communion. हम इसको पवित्र मेज कहते हैं. I prefer the title the table of the Lord. और मुझे पसंद है कहना कि प्रभु मेज. The breaking of bread and sharing the cup. और रोटी को तोड़ना और प्याले से साझा करना. What is it? ये क्या है? Give me 15 more minutes. 15 मिनट और दीजिए मुझे. Are you sleepy? क्या नींद आ रही है? These emblems used in the Lord's Supper. और ये चीजें जो प्रभु भोज के लिए इस्तेमाल हुई. And very simple and homely. बहुत ही साधारण और घरेलू हैं. Bread and wine. Roti aur dakhras. Both are easily available. Bahut aasani se dono mil jate. Very ordinary. Bahut sadharan hai. The bread, Jesus said, is my body. Aur Yeshu Masih ne kaha, ye jo roti hai, wo meri deh hai. That's what I want you to understand. The bread is, he did not say, it is a symbol of my body. उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी देह को दर्शाती है. But he said it is my body. लेकिन कहा कि ये मेरी देह है. And the wine is my blood. और ये जो दाखरस है ये मेरा लहू है. And then let us follow his actions. और फिर उसके कार्यों को देखें. In that upper room. उस ऊपरी कोठरी में. When he sat with all 12 disciples. जहाँ पर वो उन 12 चेलों के साथ बैठा. What actions followed? और क्या कार्य किए? In that upper room. उस ऊपरी कोठी में. Where he was seated with his disciples. जहाँ पर वो अपने चेलों के साथ बैठा था. Number one. पहला. He took bread and said. उसने रोटी ली और कहा. This is my body. ये मेरी देह है. This act speaks of his incarnation.
और ये जो क्रिया है ये उसके शारीरिकरण को बताती है. According to verse 23. 23 वचन के अनुसार. In one of the psalmist says, it is a messianic psalm talking about Jesus. और एक भजन संहिता में जो यीशु मसीह के बारे में बताता है उसमें लिखा है. A body you have made for me. और एक देह जो तूने मेरे लिए तैयार करी. It is Jesus's statement to his father. ये यीशु मसीह के वाक्य है अपने पिता से. He took upon himself not the form or nature of angels. और उसने अपने ऊपर किसी स्वर्गदूत के आकार को नहीं लिया. But the likeness of a sinful man. लेकिन एक पापी व्यक्ति के स्वरूप को लिया. That is the form Jesus took when he came into this world to be your savior. यही स्वरूप था जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया जब वो आपके उद्धारकर्ता होने के लिए इस पृथ्वी पर आए. A divine person. एक दिव्य व्यक्ति. Even in his human life. अपने मनुष्य जीवन में भी. Never committed even a single sin. कभी भी एक भी पाप नहीं किया. And he took the form of a sinful man. उसने एक पापी व्यक्ति का स्वरूप लिया. Romans chapter 8 verse 3. रोमियो उसका 8 अध्याय तीसरा वचन. That is what it is mentioned. और यही वहां पे लिखा है. Amen. He took the body prepared by his father. उसने उस देह को लिया जो उसके पिता के लिए तैयार पिता के द्वारा तैयार करी गई थी. You know that? क्या आप जानते हैं? His body did not come from his father. उसकी देह उसके पिता से नहीं आई थी. It came from his heavenly father. उसके स्वर्गीय पिता से आई थी. God Almighty. परमेश्वर सर्वशक्तिमान. The creator himself. जो रचयिता है स्वयं. Why? क्यों? He came for the purpose of offering his body as a sacrifice for the sin of the world. वो इस उद्देश्य के साथ आई थी कि वो इस पाप इस संसार के पापों के लिए उस देह को बलिदान चढ़ाया जाए. His concept, you know, the miracle of his incarnation. और उसके शारीरिकरण का जो चमत्कार था. Was not his birth. वो उसका जन्म नहीं था. He was born just like any other human being. वो किसी और व्यक्ति के समान ही जन्म हुआ था. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? There is no other mysterious miracle. और कोई आश्चर्यकर्म नहीं था. But what was the miracle of incarnation? लेकिन देह धारण का चमत्कार क्या था? It was his conception. वो उसका गर्भ में आना था. How he was conceived in Mary's womb. के मरियम के गर्भ में कैसे वो आया. That is a miracle. ये चमत्कार था. I explained to you few Sundays ago that. मैं कुछ रविवार पहले इस बात को बता चुका हूं. That body was a special creation of the Holy Spirit. वो देह पवित्र आत्मा की एक खास रचना थी. Because Mary was standing before the angel Gabriel when he was announcing this coming child through her. और क्योंकि मरियम उस गब्रियल स्वर्दूत के सामने खड़ी थी जब वो इस घोषणा को कर रहा था. And she was puzzled. और वो बहुत परेशान थी चौंकी हुई थी. And she could not understand. और वो समझ नहीं पा रही थी. So she asked, how is it possible? और उसने कहा ये कैसे संभव है? Because I have never known a man. मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं. And I don't expect, I don't intend to lie with another man until I get married. और जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं किसी भी पुरुष के साथ नहीं लेटूंगी. And what did the angel say? और फिर स्वर्गदूत ने क्या कहा? Who will come upon her? कौन आएगा उसके ऊपर?
the Holy Spirit will come upon you. और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. And the Holy Spirit will overshadow you. और पवित्र आत्मा तुम्हें ढक लेगा. And thus you will conceive your son by the Holy Spirit. और फिर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा उस पुत्र को धारण. Why the Holy Spirit? क्यों पवित्र आत्मा? Holy Spirit is the creative agent of God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का रचनात्मक एजेंट है. God created everything by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ने सब कुछ रचा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा. Jesus is the creator. यीशु रचयिता है. Hallelujah. Hallelujah. When the Holy Spirit come upon you. और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है. Whose power has brought forth everything. जिसके सामर्थ से सब कुछ उत्पन्न हुआ. So it is not a big thing for him to have a child born within the womb of a woman. तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए कि एक महिला के गर्भ में एक बालक उत्पन्न कर दे. हालेलुया. हालेलुया. What is it that the Holy Spirit cannot do? ऐसा क्या है जो पवित्र आत्मा नहीं कर सकता? He is the third person of the Holy Trinity. वो त्रिएकता का एक एक व्यक्ति है. John says. और यहुन्ना कहता है. In the beginning was the Word. और आदि में वचन था. And the Word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था. And the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था. He was from the beginning. वो आदि से था. Everything was created by this Word. और सब कुछ इस वचन के द्वारा ही रचा गया. And in Him was life. और उसी में जीवन था. And that life was the light of men. और वही जीवन मनुष्य की ज्योति बना. And the light shines in the darkness. और वो ज्योति अंधकार में प्रकाश. But the darkness did not understand it. और अंधकार उसे समझ ना सकी. Hallelujah. And then in verse 14 of first chapter of John. और पहला अध्याय यूहन्ना के उसके 14 वचन में लिखा है. There is an amazing revelation. और एक अद्भुत प्रकाशन है. This word. और ये वचन. Became flesh. देहधारी हुआ. What became flesh? क्या देहधारी हुआ? The word. वो वचन. Remember what the first verse says? It is the word that God used. और याद रखे जो पहला वचन कहता है वो वचन है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया. Hallelujah. Praise God. Amazing, isn't it? अद्भुत है. And the word became flesh. और वचन. And he dwelt among us. और वो हमारे बीच में उसने वास किया. As the one and only begotten. वो एक लौता बेटा. Full of grace. अनुग्रह से भरा हुआ. That is the way. Jesus was conceived. इसी प्रकार से यीशु मसीह का गर्भधारण हुआ था. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. So his body was a special creation of the Holy Spirit. और उसका देह पवित्र आत्मा की एक खास रचना थी. With that body he lived in this world. और उस देह के साथ वो संसार में जिया. That is why his blood was not poisoned by sin. और इसी वजह से उसका लहू पाप के द्वारा जहरीला नहीं हुआ. Why the blood of a sinless son of God is the means of our cleansing and cleaning us and making us people who are able to live victoriously. और क्यों उस परमेश्वर के पुत्र का वो लहू हमारे लिए कारण बनता है कि वो हमें शुद्ध करे और एक विजयी जीवन जीने में हमारी सहायता करे. Because his blood was sinless. क्योंकि उसका लहू पापहीन था. That is why it is the blood of Jesus. और इसी वजह से वो यीशु का लहू है. That cleanses us. जो हमें साफ करता है. And wash us. और हमें धो देता है. And clean us. और हमें शुद्ध करता and है. And his blood is sinless. और उसका लहू पाप रहित and है. And today every born again Christians has a blood within us. और इसीलिए हर एक नया जन पाए हुए मसीह में यीशु मसीह का लहू है. It is that blood that Jesus wants.
ये वही लहू है जो यीशु ने बहाया। He took the body prepared by his father। उसने उस देह को लिया जो उसके स्वर्ग पिता द्वारा तैयार था। So that he may offer it as a sacrifice for the sins of a thankless, wicked humanity। ताकि वो उस देह को बलि चढ़ा के अपना लहू बहा के उन संसार जो अधन्यवादित है, जो दुष्ट है, उसके लिए उद्धार का कारण बने। That would be visible offering for the world to see। और वो एक ऐसी बलिदान हो, एक ऐसी भेंट हो जो संसार देख सके। That is the blood। वो लहू है। I am not going to go on with this। मैं इसके बोलता नहीं चला जाऊंगा। I think I already promised you that 50% of another message is to be delivered to you। और मैंने आपसे पहले ही वायदा किया था कि 15% आपको संदेश का भाग दूंगा। Do you know which message was it? आप जानते हैं वो किस संदेश का भाग था? You know? No, no. You don't remember? I also don't remember. मुझे भी याद नहीं, आपको नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। Somebody reminded me, Pastor, you have to give us the 5 remaining point of that message. Now I have to ask him which message was it. किसी ने मुझसे आके कहा था, पास्टर जी आपने जो प्रचार किया था उसमें से 5 बिंदु बाकी रह गए थे, वो आप बताइएगा, मुझे पूछना पड़ेगा कौन सा प्रचार था। But for today you have heard enough. लेकिन आज के लिए आपने पर्याप्त सुन लिया। But please take it to your heart. लेकिन अपने हृदय में आप इस बात को लेकर जाएं। This also will I can in the next communion Sunday I can preach. और अगले जब प्रभु भोज होगा उस दिन मैं बाकी का प्रचार करूंगा। Because the remaining 4 more points are there. क्योंकि 4 बिंदु और हैं। You should hear it. आपको सुनने चाहिए। Okay, remind me. मुझे याद दिला दीजिएगा। So I have 5 points from the old message and 5 points from this message. और पुराने संदेश से 5 बिंदु हैं और नए संदेश से 5 बिंदु हैं। Now you understood why the blood has to be the only means of our cleansing. अब आप क्या समझ गए कि क्यों केवल लहू है, एकमात्र लहू जिससे हम शुद्ध होते हैं। And only the blood of Jesus Christ is worthy enough to wash us and cleanse us and make us new creation। और केवल यीशु मसीह का ही लहू है जो योग्य है, जो हमें शुद्ध करता है, साफ करता है और नई रचना बनाता है। Hallelujah! Hallelujah! And Jesus's blood is sinless। और यीशु का लहू पापहीन है। It is holy। वो पवित्र है। It is divine। और दिव्य है। And therefore। और इसलिए। His blood alone is qualified and approved by God. That's why he said, without shedding of blood there is no remission of sin. और केवल इसी वजह से, केवल उसका ही लहू है जो परमेश्वर के द्वारा योग्य ठहराया गया है और जिसके लिए वचन में लिखा है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। Hallelujah! Why the blood of Jesus? क्यों यीशु का लहू? It is sinless। क्योंकि वो पाप रहित है। Pure and holy। शुद्ध है और पवित्र है। And it is that blood which must get within us। और ये वही लहू है जो हमारे अंदर होना चाहिए। And that makes you holy। जो आपको पवित्र बनाता है। It gives you power to resist temptation। वो आपको सामर्थ्य देता है कि आप अभिलाषा का सामना कर सके। It gives you strength। वो आपको बल देता है। Where is life? जहाँ जीवन है। Life is in the blood। जीवन लहू में है। By his blood we are made alive। उसके लहू के द्वारा हम जीवित होते हैं। Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! परमेश्वर की God is so wise and his ways are always perfect and it is his plan। और परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है और हमेशा उसी के जो मार्ग है, तरीके हैं, वो सिद्ध हैं हमें आशीषित करने के। So don't treat this। इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। As you treat what do you call what do you get in temples?
प्रसाद प्रसाद और इसलिए इस प्रभु बोझ को आप प्रसाद के रूप में ना लें। This is not प्रसाद। ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद is demonic। वो शैतानी होता है। Do you know it is all possessed by demons? क्या आप जानते हैं सब दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो ग्रसित होता है? Why Daniel and his friends refused to eat the king's food? दानियाल और उसके मित्रों ने उस राजा के भोज में से शामिल होने में क्यों इनकार किया? Because they first offer it to their idols. क्योंकि वो भोजन पहले मूर्तियों को चढ़ाया गया था। And once that is done, और एक बार जब वो हो जाता है, the demons get into that food. तो उस भोजन में दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं। So make sure that you understand this truth. इसलिए आप ध्यान रखें कि सत्य को आप समझें। Oh, the blood of Jesus. यीशु का लहू। It is invisible. वो अदृश्य है। And yet real. फिर भी वास्तविक है। It is alive. वो जीवित है। That makes us alive. और हमें भी जीवित करता है। Amen. Is Pastor Sami there somewhere? Is he coming? Eh? Yeah. Hallelujah. Nothing but the blood of Jesus. कुछ और नहीं लेकिन यीशु का लहू। Amen. There is a song that we must sing. एक गीत हमें गाना चाहिए। Oh yeah, that is right. I'm sorry, I forgot that. माफ करिए, मैं भूल गया। I forgot that there is a 15 minutes break. मैं भूल गया कि 15 मिनट का भी आपको ब्रेक दिया जाएगा। And those who want to leave can leave. और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। And those who want to stay for the communion can stay. और जो प्रभु भोज के लिए रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। And for that rule is you must be born again. और यदि आप प्रभु भोज के लिए रुकना चाहते हैं तो नियम ये है कि आपका नया जन्म होना चाहिए। You cannot be a Sunday Christian. आप एक केवल रविवार वाले मसीह नहीं होने चाहिए। You cannot be a Christmas Christian. आप केवल बड़े दिन वाले मसीह नहीं होने चाहिए। You cannot be an Easter Christian. आप केवल ईस्टर मसीह नहीं होने चाहिए। You have to be a Christian on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and all day Sunday. और आपको वो मसीह होना चाहिए जो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार को भी मसीह है। आमेन। यू मस्ट बी ऑलवेज ओपन। आप सदा खुले रहें। गॉड कैन विजिट योर होम एनी टाइम। परमेश्वर किसी भी पल आपके घर में आ सकते हैं। That's the way you must keep your house. इसी तरीके से आपको अपने घर को रखना चाहिए। And every room and every closet, every almirah, everything must be open to God. और हर एक कमरा हर एक कोना हर एक अलमारी प्रभु के लिए खुली रहनी चाहिए। God must have freedom to open any almera. परमेश्वर के पास पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी भी अलमारी को आपके घर में खोल ले। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because sometimes Christians can, Pentecostal people can hide certain bottles inside the almera. क्योंकि कुछ ऐसे मसीह होते हैं जो कुछ बोतलों को अलमारी के अंदर छिपा देते हैं। And we know it happened. और हम जानते हैं कि ऐसा होता है। So very dangerous to keep pastors also at home. और इसलिए पास्टरों को भी घर पे बुलाना बड़ा कठिन होता है, खतरनाक है। God must have access to every department of your life. परमेश्वर को आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जाने की अनुमति होनी चाहिए। Any time. किसी भी पल। Did you know one day Jehovah God went to Jesse's house. और एक दिन यहोवा परमेश्वर जेसे के घर गए। You know who Jesse is? अब जानते जेसे कौन था? Who? Who is Jesse? Mr. Jesse? कौन था जेसे? है किसका? अच्छा दाऊ। हमने सोचा somebody was telling
Rahul Gandhi. Daud ka pita Jesse. और दाऊद का पिता था जैसी। One day Jehovah God went to his house. और एक दिन यावे परमेश्वर उसके घर गया। And you know what? अब जानते क्या हुआ? Jesse did not know that. और जैसे को नहीं पता था। Mrs. Jesse did not know that. उसकी पत्नी को भी नहीं पता था। None of them knew. और किसी को नहीं पता था। The secret visit of Jehovah God. कि यावे परमेश्वर उसके घर पधारे हैं। You know why he visited? अब जानते हैं वो क्यों पधारे थे? He wanted to check on Jesse's children. वो देखना चाहते थे जेसी के बच्चों को. He has how many sons? कितने बेटे थे जेसी के? हैं? कितना? 8. अरे even if there is, it is wrong, don't be afraid to shout it. अगर गलत भी है तो आप बोलने में डरे ना, घबराए मत. He had 8 sons. 8 बेटे थे उसके. And God looks at each one of them. और परमेश्वर उनमें से हर एक को देखता है. You know that. And he chose one. और एक को उसने चुना. On that day. और उस दिन. That chosen boy was not there. वो चुना हुआ लड़का घर पे नहीं था. And God saw him in the field. और परमेश्वर ने उसको उस भूमि पर देखा, मैदान में देखा. Looking after his father's sheep. जो अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा था. And God chose him. और परमेश्वर ने उसको चुन लिया. Hallelujah. So remember, God has his secret visits in our homes. इसलिए ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे घरों में आ जाते हैं. Hallelujah.